जिनकी 50 साल की आयु होगी अब उनको परमात्मा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई, तो उनको 6 महीना में परमात्मा की प्राप्ति हो सके। क्या करने से कि जैसे अपने दाल रोटी खाते आए वैसे ही खाते हो, क्योंकि दाल रोटी खाकर के जो बचे वो माजिल में खजाने में जमा देना घाटे का काम नहीं, अपने पांची नफे में करना क्या है कि गीता आदि सन्ना महाजन की दुकान पर बैठ कर उसकी जो पूर्ति है वो भी तो नहीं की जा सकती बिना जिए। वो जीना भी महाजन के ऋण को पूर्ण करने के लिए ही, और कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस प्रकार शरीर संबंधी कर्म करता हुआ मनुष्य भी पाप का भागी नहीं होता। शारीरिक केवल कर्म कर्म मापनोति के लिए सम केवल शरीर मात्र के निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ मनुष्य भी पाप का भागी नहीं होता। भगवान ने गीता की चौथे अध्याय के 21 के श्लोक के उत्तरार्ध में ये बात कही। आधा पूर्वार्ध क्या है कि निराशीर ये चित्त आत्मा तब तो सर्व परिग्रह सारी रंग के रंग कर गए कुरु में अपनोति के लिए सम निराशी आशा रही माने कामना, कामना रहित माने निष्काम भाव से कर्म करने वाला जो कर्म करता है संसार के बीच में भगवत भाव का प्रचार करता है तो बदले में लेता कुछ नहीं, निष्काम भाव से और मन और बुद्धि इंद्रियां जिसकी जीती हुई है जो संसार के बीच में भगवान से उनको एक व्यक्तियों को खींच करके अपने कंट्रोल में कर रखी है। चित्त जिसमें जीत लिया है तो एक वक्त झुका चुका जो मिल जाए वो खा लेता है और इंद्रियों का जो विषय है उनको देता नहीं। और जितने जो परिग्रह उसका त्याग कर दिया, संग्रह जो था वो त्याग कर दिया, यानी जो कुछ अपने पास वो बचा था तो सब भगवान के समर्पण कर दिया। 50 वर्ष तो फालतू जीत गए और बाकी जो 50 वर्ष जो है वो भगवान के चरणों में अर्पण समय और अपने पास में कल जो कुछ सामग्री थी घर के जिसके माँ बर्तन कपड़ा वो भी सब भगवान के समर्पण कर दिया। जहाँ जो कुछ था वो सब भगवान के समर्पण कर दिया, यानी अपने पास कुछ भी नहीं रखा। अपने पास में जो स्त्री है पुत्र है धन है रुपया है ये जो कुछ है ये शरीर के माँ बल है बुद्धि है तेज है और मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये सब जो पदार्थ है ये सब के सब पदार्थ भगवान के समर्पण कर ये चीज हमारी आपकी है। समर्पण करके के इस शरीर में रहने वाला जो व्यक्ति अपने को ऋणी जो मानता है ये भगवान की चीज समझ करके इसकी रक्षा केवल करता है। जैसे चौकीदार धन का रखवाला है धन का मालिक नहीं, तो इस शरीर के मालिक तो भगवान है, हम तो इसके रखवाले हैं, इसकी रखवाली करते हैं। तो इस घर में बैठ करके घर की रखवाली कर रहे घर को कि ये कायम बना है। तो इस संसार के में हम लोग इस प्रकार अपना समय बिताने भगवान के नाम का जप भगवान के स्वरूप का ध्यान भगवान के स्वरूप की पूजा भगवान के कर्मों की सेवा और भगवान के बातों का कानून से श्रवण और भगवान को नमस्कार करना और प्रभु को स्वामी और अपने को सेवक समझना। प्रभु अपने को सखा समझते हैं मित्र समझते हैं, इसलिए सखा भाव भी हम तो उसके लायक नहीं है किंतु भगवान ने अपना सखा समझ करके अपने साधन में दुकान करा दी जिसने समझो कि अपना हिंसा रख दिया तो अपना साझेदार बना लिया भगवान ने बना लिया। हमारे पास तो कोई पूंजी थी तो उसकी मर्जी हमने पहले कह दिया हमारे पास घटी लगेगा तो पैसा नहीं है।
तो थोड़ी पांती लगती है कि तुम हमारे मित्र हो, बड़े विश्वासी हो, तो चारणा पांती तुम्हारी बारणा, तो हमारे तो चारणा ही बहुत, घटी में अपना कोई समझ नहीं। तो इस प्रकार से मनुष्य निष्काम भाव से थोड़ा भी काम करता है उससे उसका कल्याण हो जाता है। तो हम लोगों को अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। अपने में जो बल है वो अपने बल तेज वो भगवान के अर्पण करना क्या है, ये अपने में जो शक्ति शक्ति भर एक प्रकार से भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रयत्न करना, ये बल का प्रयोग करना। और अपने जो समय है वो तो सब भगवान के समर्पण कर ही दिया, पर करना ही क्या है, समय भगवान के काम में लगा देना। और अपने में जो बुद्धि है वो भगवान के समर्पण कर दे, भगवान के गुण और प्रभाव को समझ समझ करके सुन के वहां अपने मुग्ध हो रहे हैं, ये बुद्धि का काम है। वहां पर देखो हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, हमारे सिर के ऊपर ऋण हो गया उसके लिए भी भगवान मदद करके उस ऋण की पूर्ति कर लेते। हमारे पास तो कोई पूंजी नहीं कि रोजगार करके अपने ऋण से मुक्त हो जाए, भगवान ही अपना मदद करते हैं, भगवान ही अपना फार्म देते हैं कि तुम मेरे फार्म से ही काम कर। तो भगवान के नाम का जप कराना, भगवान का ध्यान लोगों से कराना, सब रोजगार व्यवहार सब भगवान के नाम पर ही। तो भगवान ने अपना फार्म सौंप दिया उसको। दूसरा एक जो बेईमान आदमी है उसने कहा कि देखो इसको तो आपने अपना फार्म सौंप दिया और मुझको भी सौंप दो तो मैं भी आपके ऋण से मुक्त हो जाऊं। तो बोले तुम बेईमान आदमी है, तुम्हारे को फार्म नहीं सौंपते। वो कहता है कि आप तो नहीं सौंपते किंतु मैं आपका फार्म डाल दूंगा। तो उसने क्या किया कि अपने फार्म के ऊपर भगवान का नाम डाल दिया। कहने लगा कि भगवान की दुकान है, मालिक बढ़ गया, राम 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 करता रहा। बोले कि फार्म पर ना, बोले फार्म तो ये दुकान से तो हरि नारायण की दुकान है, हरि नारायण। बोले आप क्या करते, बोले हम तो सुन लो कि भगवान के गुवा है और भगवान पर निर्भर है ये दुकान, भगवान की बड़ा विश्वास का काम है, अपने को भगवान का भक्त सिद्ध कर करके वहां तो अब लोगों को धोखा देना शुरू किया, लोग वहां रुपया जमा करा दे। लोग कहते भगवान की माया फिरता है, भजन करता है, बड़ा भला आदमी है। तो लोग विश्वास करके जाकर क्या जमा कराते हैं और किसी के साथ में सुनते की व्यवहार करता है तो लोगों को धोखा देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे भगवान के नाम की ओर में पाप करना लोगों को तो ये प्रसिद्ध कर दी कि मैं भगवान का भक्त और भगवान के नाम की ओर में पाप करना, सत्संग की ओट में पाप करना, भगवान की जो कानून है धर्म का पालन, तो धर्म का पालन कुछ नहीं किंतु अपने को धर्मात्मा सिद्ध करना कि मैं धर्मात्मा हूँ, भक्ति कुछ भी नहीं किंतु अपने को भगवान का भक्त सिद्ध करना। इस प्रकार संसार के बीच के मां जो भगवान के नाम की ओट में और सत्संग की ओट में सत्संग कहला करके भगवान का भक्त कहला करके धर्मात्मा कहला करके लोगों को धोखा देना, दम पाखंड करना, ये घोर नरक का रास्ता है। तो भगवान ने फिर उसको घोर नरक में डाला। जो ऐसे बेईमान जो हैं धोखाबाज उनको भगवान दंड देते, और जो वास्तव के बीच के मां सच्चे भगवान के भक्त हैं उनका उद्धार कर दे। तो हम लोगों को सच्चे भक्त
के मार्फत अपना जीवन बिताना चाहिए तो थोड़े समय में अपना कल्याण हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं आदि करुणा सोची प्रत्योगाय न युद्ध थे और सोलह ब्रह्म पश्चिम धर्म से अपराध थे मैं तो भया। जो आदमी अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देता है, अपने आप को और अपने सब पदार्थों को भगवान के सच्चे दिल से समर्पण कर देता है, उसका थोड़े समय के में उद्धार हो जाता है। अपने हृदय से समझता है कि ये सब चीज भगवान की, मैं भगवान का, भगवान मेरे, और मेरे अधिकार के में स्त्री पुत्र धन रुपया ये सब, और मेरे अधिकार के में जो मन बुद्धि और इंद्रियां शरीर, और मेरे में जो बल है शक्ति है, ये सब भगवान, भगवान के काम में समर्पण करना कि भगवान के काम में लगा देना, तो उसकी सारी क्रिया ही भगवान के लिए होती है। ये वास्तव के बीच में सच्चा अपने भगवान का भक्त है, तो सच्चा जो भगवान का भक्त है, भगवान उसका विश्वास करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तो जो आदमी निष्काम भाव से कर्म करता है, क्रिया का कभी नाश नहीं होता, वो कायम रहती है। और उसका उल्टा जो फल है, वो उल्टा परिणाम जो है, घाटा परिणाम उसमें कभी है ही नहीं। और इसको कोई बाध नहीं करता कि काम तुम्हारे को करना ही पड़ेगा। और जो काम किया जाता है दम होता है। इस प्रकार निष्काम कर्म का जो थोड़ा भी जो पालन है, वो महान रहस्य चार के मैंने सब प्रकार के ऋणों से मैंने मुक्त कर दिया, सब प्रकार के कर्म से वो रहित हो जाता है और होकर के वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो 50 वर्ष में जो काम किसी सिद्धि हुई, वो अपने क्षण नाम हो सके। किस प्रकार के कर्मों से, ये प्रातः काल 4 बजे उठे और उठ करके सो स्नान कर करके और फिर योग्य पवित्र तो संध्या और गायत्री संध्योपासन करे, गायत्री का जप करे, और नहीं तो सबके लिए स्त्री होते शुद्र होते कोई भी हो, भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान और भगवान की मानसिक पूजा या सब में भगवत बुद्धि करके सबकी सेवा, यदि असली भगवान की पूजा करना है और एकांत के मां समय बिताने के समय गीता रामायण का पाठ और अर्थ सहित पाठ और श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से भजन भी दानी करे, बहुत उच्च कोटि का सब करने के समय में प्रेम में मुग्ध हो जावे, विश्वास पूर्वक करे और उसका फल कुछ नहीं चाहे और गुप्त रूप से करे और मन से करे और साथ साथ में भगवान को ध्यान और ध्यान के साथ साथ के वहां भगवान के गुणों की तरफ ख्याल रखे, भगवान के प्रभाव की तरफ ख्याल रखे और भगवान के स्वरूप की तरफ और भगवान के चरित्रों की तरफ और भगवान क्या वस्तु है इसे में बुद्धि लगा रहे, भगवान का जो रहस्य उसको समझे और भगवान की स्तुति प्रभु एक प्रकार से आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा तारा मंडल का स्तुति प्रकार आप ही हो, आप ही परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, आपको सब कोई शाश्वत अज अविनाशी सर्वव्यापी कहते हैं, सब कोई इसीलिए इस प्रकार से भगवान की स्तुति और अपनी लघुता पर हो। मैं सब साधनों से हीन, मैं एक प्रकार से महान अपराधी हूं पर हो, आपकी कृपा मेरे पर अपार है और आपसे मैं यही चाहता हूं कि
आपकी ऋण से मैं मुक्त हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, आपने इतने होने पर भी मेरे पर बड़ी भारी दया की और कर रहे हैं, मेरा विश्वास करके कि आप मेरा परम हित कर रहे हैं, आप ही की कृपा से ये साधन बनता है और जो कुछ होता है तो आपकी कृपा आप ही करवा लेते हो, आप एक प्रकार आश्वासन दे करके हिम्मत बना करके और आप ही करवा लेते हो। और ये मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं कि नित्य निरंतर उस आपका भजन ध्यान बने कि जिससे मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊं, आपने मेरे प्रेम और परम श्रद्धा वह यही आपसे मैं चाहता हूँ, यही असली हमारे धन है। भगवान का काम करने के समय में भी भगवान का काम ये कि सबको भगवान के काम में लगाना, संसार में भगवान की भक्ति जो है, भगवान का जो गुण प्रभाव तत्व है, इनका खूब प्रचार करना और भगवान के स्वरूप को याद कर करके मुग्ध होना और भगवान की सेवा करने के समय के वहां भी भगवान के नाम और रूप को कभी नहीं भूलना, सबकी सेवा भगवान की सेवा है, भगवान की आज्ञा के अनुसार सबकी निष्काम भाव से सेवा करना अपने तन में ढंग से, ये भगवान का काम काम करते समय में, अच्छा घंटा रात्रि के सोने के समय में भगवान को याद करते हुए, भगवान के स्वरूप को और भगवान के नाम को याद करते हुए शयन करना, भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हुए शयन करना, और वो सब एक प्रकार से संध की श्रद्धा भक्ति पूर्वक करे, भगवान की जो भक्ति है उसमें एकदम मगन होकर के शयन करना, इस प्रकार से अपने जीवन को बिताने, तो संभव है कि 6 महीनों में भी हमारा उद्धार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, जो कि आज 20 वर्ष में नहीं हुआ वो 6 महीना में हो सकता है, भगवान खुद उसको मदद करते हैं ऋण से मुक्त होने के लिए, भगवान ने खुद प्रतिज्ञा की है कि योगक्षेम भवामि अहम, मैं उसका योगक्षेम भजन करता हूँ, मेरी प्राप्ति में जो कमी है उसकी तो पूर्ति कर देता हूँ, अरे जो जहां तक पहुंच गया उसकी रक्षा करता हूँ, जो मेरा भक्त है हर वक्त मेरा ध्यान रखता हुआ और निष्काम भाव से मेरी उपासना जो करे उसके लिए भगवान ने ये बात कही, तो निष्काम भाव से की उसका चिंतन करते हुए उसकी उपासना करना, उसकी भक्ति करना है, ये संदेह उसका साधन है, तो उस साधन को देख करके भगवान मुग्ध हो जाते हैं। तो दो जो आपको भुगतान दिए थे, एक तो अच्छे साधु पुरस्कार, एक दंड पाखंडी, प्रातःकाल भी वो दो बात कही थी प्रकारांतर से थी, अब दूसरे प्रकार से वही बात बताई, तो जो संसार के वहां दम और पाखंड करते हैं भगवान के नाम की ओट में या सत्संग की ओट में, सत्संग कराते हैं लोगों को ठगते हैं और एक प्रकार से उस सत्संग से मुक्ति भी चाहते हैं और धन भी चाहते हैं, नाम का जप करके के लोगों को ठगते भी हैं, पाखंड करते हैं, धोखा देते हैं और मुक्ति भी चाहते हैं, तो उनके मुक्ति तो दूर हुई, उनको तो संघ की घोर दंड मिलेगा, और दूसरा जो ईमानदार अच्छी नीत वाला जब उसको यहाँ भी आएंगे वहां भी आएंगे, तो प्रकार से भगवान उसका विश्वास करते हैं, उसको अपने हृदय के लगाते हैं, फिर उसका योग से बहन करते हैं और उसको संसार सागर से तारते हैं, भगवान एक प्रकार से उसको वह बुद्धि देते हैं कि जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, उसको सहारा देकर के अर्थ जो कि आपने उसको
सब प्रकार के ऋण से मुक्त कर देते हैं। पितृ ऋण से, ऋषि ऋण से, देव ऋण से, जिन्होंने इस प्रकार से समझे कि अपना समय दिखाया, उसने देवताओं का पूजन कर लिया, सब देवताओं का पूजन करके उनके ऋण से मुक्त हो गए, सब पितरों का उद्धार कर और सारी पृथ्वी का उसने दान दी और सबकी सेवा करके सारे भूत प्राणी के ऋण से वो मुक्त, भगवान की कृपा की प्रभाव, क्योंकि उसमें कोई अहंकार नहीं, ममता नहीं, अभिमान नहीं, अपना सारा जीवन, अपना तन मन धन भगवान की चीज समझ करके भगवान के समर्पण कर। तो पहले उसने जो अपना समय बर्बाद किया, वो जो एक भगवान का ऋण था, भगवान के घर से अपराधी था, वो अपराधी मिट गया और जो समय तो उसका सार्थक हो ही गया। इस थोड़े से समय के बीच में अपना कल्याण कर लिया और बाकी का जो जीवन और 49 वर्ष रहे, 50 वर्ष तो बैठ गए और 6 महीनों में अपना सब काम बन गया और फिर संसार के बीच में 49 वर्ष और दिए। तो फिर भगवान का उत्तम से उत्तम काम किया, उसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं तो तस्मान मनुष्य सु कृष्ण में प्रिय कृत में और भविता में तो मैं तस्मान गम्य प्रीत रूप हूँ। अर्जुन इस गीता शास्त्र का जो मेरे भक्तों के बीच में प्रचार करता है, उसके समान हमारा प्यारा काम करने वाला दुनिया में न तो पहले कोई वर में है, न कोई भविष्य में होगा, तो वो भगवान का प्रीतम प्यारा बन गया। बाकी क्या करना है कि बाकी समय के बीच में वो ही काम करना जब तक जीवन कर, हाँस हाँस करके, नाच नाच करके, गा गा करके, मुग्ध हो गए कि तो उसके काम से भगवान मुग्ध हो जाते हैं। वो भगवान की लीला को देख देख के तो खुद मुग्ध होता है कि देखो भगवान कितनी दयालु है कि उसने मदद करके देखे और 6 महीने में काम हमारा बना, 6 महीने के मां हमारी क्या सामर्थ्य कि जो हम सदा के लिए भगवान के ऋण से मुक्त हो जाएं। भगवान का तो समझो कि सदा से हमारे ऊपर ऋण चला ही आता है, तो भगवान ने मदद करके हमको ऋण से मुक्त कर दिया और 6 महीने के बीच के मां जो अप्राप्ति की प्राप्ति होगी, यानी भगवान की प्राप्ति होगी। अब तो वो भगवान को देख देख करके के मुक्त होता है, भगवान उसकी क्रिया को देख देख करके मुक्त होते हैं। तो देखता है कि ये सब जो हुआ भगवान की कृपा से हुआ और भगवान ने सुन ये सब बात करी, उसके आनंद का ठिकाना है। ऐसे भक्त जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, ऐसे भक्त की लीला को माने उसके चरित्र को देख देख भगवान हंसते और मुग्ध होते हैं और उस भक्त की सारी चेष्टा सारी क्रिया भगवान को मुग्ध करने के लिए होती है, एक दूसरे को मुग्ध करते रहते हैं। भगवान की सारी लीला भक्त को मुग्ध करने के लिए होती है और भक्त को हर वक्त ये दिखता है कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला हो रही है और भगवान सबके हृदय के मां विराजमान हो रहे हैं और भगवान इनका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है। तो भगवान की चेष्टा उसके लिए और उसकी चेष्टा भगवान के लिए, दोनों की परस्पर में जो चेष्टा है एक दूसरे को मुग्ध करने के लिए, आनंद की वृद्धि के लिए, प्रेम की वृद्धि के लिए, या यूं कहो कि प्रेम तो वहाँ पूर्ण ही, आनंद वहाँ पूर्ण ही और वृद्धि की क्या गुंजाइश है वहाँ, ये कहने के लिए वहाँ तो दोनों तरफ कोई कमी है ही नहीं, तो भगवान के कमी में उसके कमी तुलसीदास के जिसके वहाँ वो भगवान का भक्त है। एक प्रकार से तुलसी का प्रचार करता रहता है जब तक जीता रहता है। इस प्रकार का जो संघ है, ऐसे पुरुषों का जो संघ है और उसमें हम लोग भी शामिल हो जाए तो कितने आनंद की बात है। इस प्रकार के संघ की ये महिमा है, का स्वर्ग अपवर्ग सुख
धरिय तुला एक अंग तुले न ताही सकल मिली जो तू कलव सतसंग ये बात एक तरफ में स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष ये तराजू के एक पल गई और दूसरे पल देखे वहां एक क्षण का ऐसा सत्संग तो एक क्षण के सत्संग के आनंद के समान वे दोनों मिलकर के लिए सुन सुख तो कोई चीज ही नहीं है और मुक्ति एक प्रकार से वो दूसरों को देता है तो उसकी तो ध्रोह रूप से वो तो जीता हुआ मुक्त हो तो जीवन मुक्त है ही तो इस प्रकार से भी जो अपने समय को बिताता है उसका जीवन तो एक प्रकार से अलौकिक है और उसके साथ में रहने वाले भी उस समय के माँ रहकर उस ग्रुप में रहकर के वे भी हर वक्त आनंद के माँ मुग्ध होते रहते हैं वे यही चाहते हैं कि हमारे को कोई चीज की आवश्यकता नहीं बस भगवान की चर्चा होती है और इस संघ के बीच में रहकर अपना जीवन बीतता है नारायण 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 श्रीम नारायण नारायण श्रीम नारायण नारायण श्रीम नारायण नारायण श्रीम नारायण ज्ञान श्रीवान नाम जी अंग शांति शांति।